He answered when you shifted to here. अस्सलामुअलैकुम ज़फ़र सिक्योरिटी फेसबुक लाइव सेशन के साथ हम अपने टाइम 5 बजे आपके साथ लाइव है, चूँकि मार्केट का टाइम आज 4:30 था क्लोजिंग सेशन, सो 5 बजे हमारा ये स्टार्ट होता है सेशन जुम्मे के दिन। मेरे साथ रिसर्च एनालिस्ट ज़फ़र सिक्योरिटी के नईम साहब वापस आ चुके हैं इस्लामाबाद, जो एक्सपो हो रही थी स्टॉक एक्सचेंज के वाले से वाइंड अप करने के बाद। सो इससे स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन के मार्केट ने किस तरह बिहेव किया और मार्केट में किस तरह का जो आगे जो नेक्स्ट वीक आ रहा है ट्रेडिंग वो किस तरह बिहेव करेगा 100 इंडेक्स। सो इस मार्केट को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कीजिए ताकि जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं अपने स्टॉक्स के हवाले से बाइंग सेलिंग प्राइसेस के कमेंट्स हमसे भी ले सके और अपने व्यूज भी शेयर करें हमारे साथ। सो स्टार्ट करते हैं नईम साहब से और इनसे पूछते हैं कि आज 100 इंडेक्स जो है उसने किस तरह बिहेव किया होल सेल के अंदर और क्या सूरत हाल रही इन्वेस्टर्स की जानिब से। जी नईम साहब, जी बहुत शुक्रिया। आज हमने देखा कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स ने 132 पॉइंट्स कमी के साथ 43,363 पॉइंट्स की सतह पर क्लोजिंग दी। इसके साथ साथ अगर आप वीकली बेसिस की बात करें तो उसमें जो आउटगोइंग वीक है उसमें 100 इंडेक्स ने आज की गिरावट के बावजूद 352 पॉइंट्स का इजाफा किया वीक ऑन वीक बेसिस पे। अलबत्ता आज जो वॉल्यूम्स हैं उसमें कमी देखने को मिली, 193 मिलियन शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ, जहां पर हमने देखा कल 220 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया था। जी, और वॉल्यूम लीडर्स के अंदर आज कौन से नुमाया शेयर्स हैं? जी, वॉल्यूम लीडर्स में आज पाक इलेक्ट्रॉन सर फहरिस्त रहा 16.4 मिलियन शेयर्स के साथ। उसके बाद लॉटे केमिकल्स 13.2 मिलियन शेयर्स, NRSL 13.2 मिलियन शेयर्स, वर्ल्ड कॉल 12.6 मिलियन शेयर्स और लाल पीर पावर आज 10 मिलियन शेयर्स के साथ वॉल्यूम्स में नुमाया शेयर्स रहे। जी, और आज जो है पिछले 2 से 3 सेशन हमने देखा है कि मार्केट जो है वो प्लस माइनस जोन के दरमियान में ही चलती रही है, मिक्स बिहेवियर आए। तो नेक्स्ट जो कमिंग वीक है इसके अंदर 100 इंडेक्स की क्या सूरत नजर आ रही है, कैसी तरह 100 प्लस 100 माइनस चलेगा या एक क्लियर डायरेक्शन ले सकता है इंडेक्स? जी, टेक्निकली 100 इंडेक्स इस वक्त असेंडिंग एक ट्रायंगल में मूव कर रहा है, तो बेसिकली एक रूम बना रहा है फर्दर रैली के लिए। तो इस वक्त जो उसका बिहेवियर है वो थोड़ा रेंज बाउंड है, जहां पर आपने देखा कल प्लस थी और आज माइनस हो गया दोबारा से। तो टेक्निकली हम तो कर रहे हैं कि जो असेंडिंग ट्रायंगल है उसके अंदर मूव करना और एक अपना फर्दर रैली को बनाने के लिए थोड़ा मूव कर रहा है। तो जो सपोर्ट लेवल है करंट असेंडिंग ट्रायंगल की जो बाउंड्री है लोअर, वो 43,130 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है।
जी, और हमारे साथ एजाज खोसा साहब मौजूद हैं, इनको NRSL का बता दीजिए कि आने वाले सेशन के अंदर किस तरह बिहेव करेगा। जी, NRSL ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है, जहां पर उसका जो सब्सिडरी है NICL, उसने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। तो बेसिकली स्टॉक जो है वो उसको फॉलो कर रहा है अपनी पीयर कंपनी को, ग्रुप कंपनी को। फिलहाल NRSL के लिए जो करंट रेजिस्टेंस है वो 11.5 रुपये के आसपास है। जी, MFL की टारगेट प्राइस बता दीजिए मोहम्मद मोहसिन कुरैशी। जी, MFL का नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट है वो तकरीबन 36 से 37 रुपए की रेंज में पॉसिबल है। GGL बाइंग प्राइस दिलशाद साहब है। जी, DGL का करंट जो बाइंग लेवल है, या उसको आप सपोर्ट लेवल भी कह सकते हैं, वो 18 से 19 रुपए के बीच है। जी, और पेल पे कमेंट कर दीजिए उस्मान शेर साहब, अब आने वाले दिनों में कैसा है अपनी अनाउंसमेंट के बाद। जी, अनाउंसमेंट के बाद टेक्निकली तो अभी पाक इलेक्ट्रॉन 45 रुपए को बदस्तूर सपोर्ट को बनाए हुए हैं, जहां पे हमने देखा कि लास्ट वीक उसको वायलेट भी किया, 43 रुपए तक का लो लगा। फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्टॉक का इस वक्त जो सेलिंग है वो 45 रुपए से एक्सीड नहीं करेगी। इसके बावजूद कि आज काफ़ी टर्नओवर रहा स्टॉक में, जहां पर स्टॉक वॉल्यूम लीडर में उसने टॉप लिस्ट पर अपना नाम छोड़ा है। जी, और पैकेजेस बाय प्राइस फैसल साहब हैं जी हमारे साथ। पैकेजेस को नई सरमायाकारी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना काफ़ी बेहतर रहेगा, स्टॉक इस वक्त ओवरबॉट है अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें। जी, और खैबर तंबाकू। खैबर टोबैको का जो करंट ट्रेडिंग रेंज है वो 600 से 800 रुपए की रेंज है। तो फिलहाल 200 रुपए की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले मजीद कुछ हफ्ते स्टॉक इसी रेंज में सर्व करेगा। तो आप जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इस वक्त ये होनी चाहिए कि 600 रुपए पे आप बाई करें और 800 रुपए के करीब आप प्रॉफिट टेकिंग करें। जी, और ASL का बता दीजिए जहान अहमद अब्बासी साहब हैं। ASL करंटली 1950 का सपोर्ट को बनाए हुए हैं, जहां पर फर्दर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। जी, और GHNL टारगेट प्राइस आतिफ साहब है। GHNL का दो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल या टारगेट प्राइस था वो 240 प्लस का था, तो उस पर पिछले हफ्ते भी बात होती रही, जो कि स्टॉक ने काफ़ी सक्सेसफुली अचीव किया है। फिलहाल नई सरमायाकारी के लिए इंतज़ार करना चाहिए, जबकि अवेलेबल जो आपकी पोजीशन है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट टेकिंग या एग्जिट को तरजीह दें। AGL को आपका क्या सीन है? AGL का नवीद रहमान साहब है जी। AGL फिलहाल एक काफ़ी बड़ी रैली करके, जिसमें उसने प्राइस 100% से ज़्यादा की गेन की, फिलहाल कुछ वक्फा चाह रहा है अपनी इस वाइल्ड मूवमेंट के लिए। तो एक्सपेक्टेड जो बिहेवियर है AGL का वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। शेल का बता दीजिए कि ये रखना चाहिए या इसको बेच दें, अगर रखना है तो इसकी टारगेट प्राइस मोहम्मद अशरफ साहब। जी, शॉर्ट टर्म का जो टारगेट था 350 से 55 का वो तो अचीव हुआ है, अगर आपका टाइम फ्रेम उससे लंबा है तो उसमें होल्ड करना भी काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा रिटर्न
एक्सपेक्टेड है BCL होल्ड करें या सेल कर दें एजाज खोसा साहब जी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए स्टॉक में 145-50 की रेंज में जी और SLCL का फ्यूचर बता दीजिए उसामा राव साहब हैं SLCL फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो 12 रुपए कर काफी भारी रखता है तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रॉफिट टेकिंग की होनी चाहिए इस लेवल पर PCAL इसके पल्ली कमेंट कर दीजिए हाशिम साहब है पाकिस्तान केबल अगर तो आपका टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म का है तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए शॉर्ट जबकि मिड टर्म के लिए भी प्रॉफिट टेकिंग के लिए काफी मौजूद रेट है वाइथ की टारगेट प्राइस अशरफ साहब वाइथ का फिलहाल टारगेट 2300 रुपए के लगभग है पॉसिबल है जी सर या AGP इनकी बाइंग बनती है क्या और इनके टारगेट प्राइसेस उस्मान शेख साहब भी हैं सैयद मोइज अली भी हैं जी AGP के तो जो करंट सपोर्ट है वो 87-88 रुपीज है जबकि जो सेल का फिलहाल सपोर्ट है वो तकरीबन 340 रुपए के आसपास है और ICL इसके मुतालिक कमेंट कर दीजिए सफदर साहब है ICL का करंट जो रेजिस्टेंस है वो 39 रुपए के आसपास लोड्स पे का बता दीजिए लोड्स का करंट जो सपोर्ट है वो 38 रुपीज है इसके साथ साथ करंट जो रेजिस्टेंस है वो 45 का है तो बेसिक जो ट्रेडिंग रेंज है वो यही दो लेवल्स हैं जी और FFLNV इसका बता दीजिए हिबा फारूकी है जी डायरेक्शन जो है वो सेम है FFL की और FFLNV नॉन वोटिंग जो शेयर्स हैं तो बेसिक जो ट्रेंड है वो दोनों का एक ही है फिलहाल इसका जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो 35 रुपए के आसपास है जी और DSIL महमूद अकबर साहब जी DSIL और इस तरह के काफी जो लो वैल्यू स्टॉक हैं जिसको हम पैनी स्टॉक भी बोलते हैं जो इस वक्त आए दिन रूमर्स की और सस्पेंशन की रूमर्स की गर्दिश में रहते हैं तो फिलहाल इन टाइप के शेयर से सरमायाकारी में इजतनाब करना चाहिए फिलहाल टेक्निकली स्टॉक 4-4.50 रुपए की रेजिस्टेंस को बनाए हुए है बैंक ऑफ पंजाब टारगेट प्राइस जी बैंक ऑफ पंजाब का इनिशियल जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 10-50 रुपए की रेंज में नजर आ रहा है जी और जनरल टायर का बता दीजिए तलहा साहब हैं 3-4 मंथ के लिए जी जनरल टायर फिलहाल 180-185 रुपए को सपोर्ट का लेवल बनाए हुए है जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 हफ्ते स्टॉक इसी जो उसकी सपोर्ट लेवल है इसके इर्द गिर्द मूव करता रहेगा TRG टारगेट प्राइस सादिया शेख TRG का जो करंट सपोर्ट है वो 33 रुपए का है फिलहाल स्टॉक से 101-102 सेशन के लिए इंतजार करना चाहिए बहुत शुक्रिया नेम साहब आपका
मज़ीद जितने क्वेश्चन रह चुके हैं वो इस वीडियो के वाइंड अप होने के बाद इसी के ऊपर कमेंट्स करके उसका जवाब दे दिया जाएगा आपको. मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मार्केट के हवाले से आप हमारे फॉरम विजिट कर सकते हैं, जिसपे व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेजेस हैं और लैंडलाइन नंबर है, और वेबसाइट के ऊपर लाइव चैट के ऑप्शन मौजूद हैं जहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके मार्केट के हवाले से सारी मालूमात ले सकते हैं. नेक्स्ट वीक से हम अपने रेगुलर टाइम 4:30 पर दोबारा लाइव आपके साथ आएंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.